खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है। तहसीलदार सुनील वर्मा की कार्यप्रणाली को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे अधिवक्ताओं ने तहसीलदार हटाओ भ्रष्टाचार मिटाओ के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष राकेश दीक्षित ने मीडिया से चर्चा करके बताया कि तहसील कार्यालय में नामांतरण संबंधी कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर छतरपुर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। पूरे मामले में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष ने कहा है कि यदि आगामी 13 मार्च तक कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सुनील वर्मा जी के विरोध में उनको हटाए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। हमारे तहसील के हमारे अधिवक्तागण बहुत परेशान हैं, उनको बेइज्जती की जाती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और नियमानुसार कोई कार्य नहीं किया जा रहा। इसलिए हमारा निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय से कि आप व्यवस्था को बनाएं, सुचारू रूप से जिले की व्यवस्था चले और हम अधिवक्ताओं का मान सम्मान बना रहे और पक्षकारों को उसमें लाभ मिले, न्याय मिले, यही हमारी मांग। जो प्रभारी तहसीलदार हैं छतरपुर में, उनके विरुद्ध कुछ अनियमितताओं को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। पूर्व में भी शासन की शिकायत हमें प्राप्त हुई है और इसमें जांच की जा रही है और आगे जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो इसमें की जाएगी। सर, इस संबंध में आगे परीक्षण किया जा रहा है और जो उचित होगा वो करेंगे।